घर तू भी कर ले रिकॉर्ड पर। इशिता, यस इशिता क्लास में नहीं आए थे आज? नहीं मैं बता दूंगी। चलो कुछ नहीं था, अभी जो डाउट्स हैं जल्दी से डाउट बोल देंगे। या मैं हिंट दे दूं पूरे पेपर का? सर वो मैंने तो डाउट पूछ लिए थे आपसे। आज चलो एक बार फिर जल्दी से, मैं बस 10 मिनट के अंदर मैं पूरा पेपर बता रहा हूँ, हिंट देख लेंगे इसका। देखो पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल सा रूल है, सही ना? मेंस का पेपर है ये। और क्या कहते हैं, पहला जो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, बढ़ती है, ग्रुप में कम होती है। पीरियड में बढ़ती है, ग्रुप में कम होती है। तो इसमें हम कहाँ जा रहे हैं, अब इसमें चेक करेंगे आंसर। पहले में हम कहाँ जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं, पीरियड में बढ़ेगी तो ये करेक्ट होना चाहिए 1। दूसरे में कहाँ जा रहे हैं, ये तो उल्टा हो गया है, सिलिकॉन की ज्यादा होनी चाहिए। तीसरे में सल्फर की ज्यादा होनी चाहिए। चौथे में सेलेनियम की ज्यादा होनी चाहिए ग्रुप में। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा इसका। क्लियर है कि नहीं? यस दूसरा क्वेश्चन, द होमोपॉलीमर फॉर्म फ्रॉम 4-हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड। 4-हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड, 4 पे हाइड्रोक्सी है और ब्यूटेनोइक एसिड है, तो इसको लिख दिया मैंने COOH, 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 CH2, 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 OH। तो एल्कोहल का एच हटेगा, होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर बोला हुआ इसमें, एल्कोहल का एच हटेगा और इसका ओ एच हटेगा, जो बन जाएगा होल लाइन लगा देना, जो बन जाएगा होल लाइन लगा देना, पॉलीमर चैप्टर का है। और नेक्स्ट वीक पी ब्लॉक का टेस्ट बोला हुआ, पी ब्लॉक जरूर कर लेंगे लेक्चर से एक बार। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, द नेक्स्ट करेक्ट वीक तो मैच आपने बिटवीन, 11th वाला टेस्ट बोला था ना, मतलब वो केमिकल बॉन्डिंग स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह का। हाँ तो उसके साथ ही तो है पी ब्लॉक, अच्छा ठीक है सर। मेन पी ब्लॉक उसी के साथ। हाँ जरूर कर लियो, गर्व तू कर लियो जरूर। हाँ अच्छा सर। करेक्ट मैच बिटवीन, करेक्ट मैच बिटवीन आइटम फर्स्ट एंड आइटम सेकंड। एसर टेस्ट कौन देगा, जिसके अंदर एसिड ग्रुप हो या एल्कोहल ग्रुप हो वो दे देगा। तो इसमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, टायरोसिन का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें जल्दी से आंसर दे देता हूँ, RCHNH2 COOH। आर की जगह अगर CH2 और फिनॉल वाला ग्रुप आएगा तो ये हो जाएगा टायरोसिन। आर की जगह अगर ये आएगा तो टायरोसिन। एस्पार्टिक एसिड, आर की जगह CH2COH, ये सक्सिनिक एसिड की तरह ही होता है। आर की जगह CH2COOH आएगा। इन्हीं पार्ट से चेक करना तुम्हें। और सेरी सीरीन, सीरीन यानी आर की जगह CH2OH आएगा। और लाइसीन CH2H4NH2 आएगा। बस अब तुम देखो यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, फिनॉल वाला ग्रुप। फिनॉल वाला ग्रुप है तो थैलिन डाई टेस्ट देगा, और अगर एसिड वाला ग्रुप है तो एसर टेस्ट दे देगा। कार्बोलेमिन रिएक्शन कौन देगा, जिसमें NH2 हो, होल NH2 यानी लाइसीन दे देगा, यानी लाइसीन दे देगा ये वाला। तो उसके अकॉर्डिंग मैच कर लेना आंसर। शायद एक का आएगा क्यू। हाँ ये आंसर ये आना चाहिए इसका, 1 वाला, शायद 1 वाला आंसर होगा, देख देख लेने बार। अच्छा नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, क्लियर है कि नहीं? ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे आंसर चेक कर लो, गर्व ऊपर कर दिल्ली से। फोर्थ ये तो इजी क्वेश्चन है, ताजमहल इज बीइंग डिसफिगर्ड एंड डिसकलर्ड, किस वजह से है? एसिड रेन। एसिड रेन जिसके अंदर कौन सी गैस है, N2O5, एसिडिक गैसेज होती है, SO2, SO3, ये सारी एसिडिक गैसेज है, इसकी वजह से होगा। फोर्थ आंसर आ जाएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन Br2 मिथेनॉल, फिफ्थ क्वेश्चन। Br2 मिथेनॉल है तो ये तुम्हें पता होगा डबल बॉन्ड पे लगता है, जैसे प्रोपीन है, प्रोपीन है, इसमें Br2 डाल दिया मैंने पहले तो साइक्लिक हेलोनियम मैकेनिज्म चलेगा, CH3, CH3, CHBr+, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, साइक्लिक हेलोनियम मैकेनिज्म ये आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड शिफ्ट है वहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, MeOH वहां से अटैक कर देगा, MeOH जो है वहां से अटैक करेगा Br- को, Br- भी प्रेजेंट है, Br- को लेकिन MeOH चारों तरफ से कवर कर लेगा, इसलिए वो अटैक नहीं कर पाएगा, MeOH अटैक करेगा और आंसर OMe लगा देंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर एडजस्ट करना, आंसर 2 आ जाएगा, सही ना? आंसर 2 आ जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO लिगेंड्स एंड CO बॉन्ड इन CO2COH8, CO2COH8 है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बहुत बार सिखाया हुआ है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर CO2
CO टू CO होलेट, तो इसमें जैसे चार CO इसके साथ लगने चाहिए, चार CO कार्बन मोनोऑक्साइड इसके लगने चाहिए। अगर ऐसे होगा तो आंसर CO CO बॉन्ड एक आ रहा है। CO ये पूछा ना इसने, ब्रिजिंग वाले कितने हैं, ब्रिजिंग वाले तो नहीं आए कोई भी, इसे मेरे को ब्रिजिंग में लेना पड़ेगा, और हमेशा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसलिए स्ट्रक्चर ये आना चाहिए। तीन यहाँ लेना, तीन कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ लेना, एक CO यहाँ ले लेंगे ये वाला ब्रिजिंग में, एक यहाँ पे, तो ब्रिजिंग वाले दो होने चाहिए। और दूसरा पूछा इसने CO CO बॉन्ड एक, वो तो है ही एक, यानी टू एंड वन आंसर। तो आंसर अपने आप एडजस्ट करना है तुम्हें इस तरीके से। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन में है फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन इज, फेवरेबल साइट ऑफ प्रोटोनेशन, सिर्फ ये वाली प्रोटोनेशन की अगर थोड़ा बड़ा कर दे इसको, फेवरेबल साइट जो प्रोटोनेशन की है वो एक तो ये वाली नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ रही है, और एक ये वाली नहीं होगी क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनकेलोन पे रेजोनेंस भी यूज हो रहे हैं, बाकी किसी में एनकेलोन पे रेजोनेंस भी यूज नहीं होंगे। तो बी सी और डी, बी सी और डी ये फेवरेबल साइट है। एट्थ क्वेश्चन, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ विच गैस इन एयर कॉज स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स, ये भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखो दो क्वेश्चन आ गए एक ही चैप्टर के, जो बहुत कम होता है लेकिन फिर भी आ गए, दोनों ईजी है। तो ये तो एसिडिक गैसेज होनी चाहिए, ज्यादातर एसिडिक गैसेज होगी और ये प्रेजेंट होती है हमारी वो जो एसिड रेन में, तो ये वही है SO2 गैस। ऊपर का देखा एक बार, फिर नाइन्थ क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एलोएस्ट्रिक इफेक्ट, एलोएस्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जैसे एंजाइम, ये एंजाइम अगर है, ये एंजाइम है यानी कैटलिस्ट है, तो इस पे सब्सट्रेट आता है, जैसे ये सब्सट्रेट है, ये सब्सट्रेट है, ये आएगा एस, एंजाइम प्लस सब्सट्रेट यानी कैटलिस्ट प्लस रिएक्टेंट, इस तरह से आते हैं एंजाइम प्लस सब्सट्रेट। एलोएस्ट्रिक साइड होती है कि सब्सट्रेट को यहाँ आना है, वो यहाँ ना आके किसी और साइड पे आ जाए, जैसे ये यहाँ पे अगर आ जाता है तो इसको बोलते हैं एलोएस्ट्रिक साइड, ये एलोएस्ट्रिक साइड है। तो इससे एलोएस्ट्रिक साइड का आंसर आ गया ए का आर, देखो मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, तो ये एलोएस्ट्रिक साइट होगी। फिर कम्पिटिटिव इनहिबिटर यानी यहाँ पे सब्सट्रेट को आना है, इधर सब्सट्रेट को आना है एक्टिव साइट पे, कम्पिटी इसके साथ कोई मेडिसिन है, जैसे ये मेडिसिन है या ड्रग है वो कम्पीट कर रही है, तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, रोक देगा, रोकेगा इसको सब्सट्रेट को आने से। तो इसका आंसर मैच करना है इसके अकॉर्डिंग, जैसे ए का आंसर आ रहा है, ए का आर है तो बी का आना चाहिए इसमें, बी का हाँ मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, कंपीट करेगा ये, है ना, तो ये आंसर आ जाएगा पी इसका। रिसेप्टर तो पता होगा प्रोटीन्स होते हैं विच आर क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी, रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं विच आर क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी। पॉइजन जो रिएक्शन को रोकेगा, बायोकेमिकल रिएक्शन को, बायोलॉजिकल रिएक्शन को रोकेगा होने से, उसको नहीं होने देगा, सही ना, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एंजाइम कोवेलेंटली, ये आ जाएगा। अगर ऊपर कर देगा, द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर विच फिट्स एट द सेंटर ऑफ द, विच फिट्स एट द सेंटर ऑफ द एज ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूब के एज पे फिट हो, यानी ए एज सेंटर, तो ए इजू टू आर प्लस आर डैश आ जाएगा, ए इजू टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर डैश। और जो दूसरा है √3a, बॉडी डायगोनल पे फिट हो रहा है ना, ये बॉडी डायगोनल √3a इजू टू क्या होगा 4r, इससे आंसर कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका सी थर्ड 0.067। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीज मिल्क और स्मोक, 10th क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का था, 11th क्वेश्चन ये है सरफेस केमिस्ट्री का, तो इसमें चीज मिल्क और स्मोक, चीज के अंदर चीज किसमें, डिस्पर्स फेज यानी सॉल्यूट होता है इसके अंदर लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम यानी सॉल्वेंट होता है इसके अंदर सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड होगा। और दूसरा है मिल्क, मिल्क में तो दोनों लिक्विड लिक्विड, मिल्क है ऑयल इन वाटर, तो यानी लिक्विड इन लिक्विड है, और स्मोक, स्मोक के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होंगे एयर के अंदर, तो यानी सॉलिड इन गैस होगा। तो आंसर इसका चेक करोगे तो ये आ गया डी आंसर, द रिएक्शन दैट डज नॉट डिफाइन कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट ओर के लिए और हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर के लिए, ऑक्साइड ओर के लिए, और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर, और रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए, तो इससे आंसर इसका सीधा फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रोस्टिंग हो रहा है नॉट कैल्सिनेशन, बाकी तीनों में कैल्सिनेशन हो रहा है। द रिएक्शन MgO प्लस C गिव्स Mg प्लस CO फॉर विच डेल्टा एच इज दिस, मत किलो जूल में, ध्यान रखना डेल्टा हमेशा किलो जूल में होता है और डेल्टा एच दे रखा जूल में, इज नॉट फिजिबल एट 298 केल्विन टेम्परेचर अबव विच दिस रिएक्शन विल बी फिजिबल, ध्यान रखना अबव ही आएगा आंसर, क्यों, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा, तो टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच कर देना, इक्विलिब्रियम मानेंगे पहले, इक्विलिब्रियम मानेंगे
तो डेल्टा जी 0, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच लेना 491100 डिवाइड बाई 198। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है गर्व, क्या आया था आंसर इसका? बी टी वाला आ रूट रहा था। बी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन कैसी गर्व ऊपर कर ले जल्दी से। 14th क्वेश्चन देखेंगे। 14th क्वेश्चन में केसी दे रखा है रिएक्शन का 10 के और 15, और ई नॉट सेल पूछा है। ई नॉट सेल पूछा है तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, तो ई नॉट सेल इज टू 0.0591 बाय एन लॉग के सी। 0.059 बाय एन, एन की वैल्यू इसमें आई 2। लॉग ऑफ 10 रेज टू 15, लॉग ऑफ 10 रेज टू 15 यानी 15 बाय 2, 0.06 × 6 मान लेंगे 15 6 90.9 बाय 2। तो ये तो टेन डायरेक्ट टेन ही की आंसर बार आएगा 16 आएगा, सिक्सटीन है। क्योंकि एक मिनट टेन एक मिनट, इंटू टेन की बार 15 दे रखा है। अच्छा सही है 10 के 16 आएगा। हाँ तो ये 16 6 96.96 बाय 2, पॉइंट नाइन हाँ पॉइंट फोर एट के आसपास आंसर, हाँ बी पॉइंट वाला फोर एट के आसपास आंसर बी वाला जाएगा आंसर, 0.48 के आसपास आंसर। तो फिर है 15th क्वेश्चन। दैट हाइड्राइड दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स होते हैं 3C2E, तो नॉट नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो AlS3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, B2H6 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, GaS3 ग्रुप 15 का है, तो ये ग्रुप 13 का है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है गैलियम के पास। SiH4 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। उसके बाद आ गया स्टैंडर्ड रिएक्शन, गिब्स एनर्जी फॉर रिएक्शन दे रखा है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज गिवन बाय डेल्टा जी टू ए माइनस बी टी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा डेल्टा जी टू डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस होता है, यानी इसके अंदर अगर तुम डायरेक्ट देखोगे सारे ऑप्शन चेक कर लो, फोर्थ ऑप्शन देखोगे डायरेक्ट, तो इसमें ए ग्रेटर देन 0 होगा, तो रिएक्शन क्या होगी, ए ग्रेटर देन 0 होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस रिएक्शन। देखो एंडोथर्मिक हो जाएगी कि नहीं, ये ए ए क्या है डेल्टा एच है ना, तो एंडोथर्मिक इफ ए इज ग्रेटर देन 0, एंडोथर्मिक इफ ए इज ग्रेटर देन 0, बाकी कोई मैच नहीं करेगा। फिर K2HgI4 इज 40% आयोनाइज, 40% आयोनाइज हुआ ये K2HgI4, ये टूटेगा 2K+ नेचुरल एजेंट है, अगर इसमें इसके साथ हम अल्कलाइन सोल्यूशन लगाते हैं HgI4 2- ये है, तो 1 में से अल्फा जाएगा बनेगा 2 अल्फा अल्फा, तो आई आ गया 1 में से अल्फा + 2 अल्फा + अल्फा, 1 + 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, अल्फा कितना दे रखा है 40.4, तो 1.8 आंसर आ गया सीधा, वन वन ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी ये कैसे वेरी करते हैं, वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एज लैम्डा और थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में एक तो रिलेशन ये आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, हमें लैम्डा के साथ रिलेशन चाहिए इसका, लैम्डा के साथ इसका रिलेशन चाहिए, तो इसको हम लैम्डा को अगर मैं कहूँ लैम्डा जो होता है एच बाई टू एम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना ये होती है एच, हाँ ये इससे आ जाएगा ना, काइनेटिक ये आ एनर्जी में गया ना हाफ इससे, एम वी स्क्वायर में वी को वो रख देंगे ना, म्यू लैम्डा। नहीं नहीं वो अलग चीज है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, लैम्डा जूल एच बाय टू एम ई होता है ना, ये रिलेशन डायरेक्ट है ना ये, यस सर, अब इसका इस काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख देंगे एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, तो इससे डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। इन्वर्सली सर क्वेश्चन दोनों टू, से सेम ही आ रहा है। हाँ सर, बी बी और वाला आ रहा है, दोनों से वी सेम नहीं म्यू आएगा, माइनस म्यू बी नॉट वाला वाला तो आ था जाएगा लेकिन ये टू नहीं आएगा ना, फिर उसमें शायद चेक करना एक बार। सर, मतलब सी प्रोपोर्शनल मतलब प्रोपोर्शनल पूछा है नहीं ना। आएगा ना, हाँ नहीं आंसर तेरा निकल रहा है वो कंसेप्ट नहीं है ना वो। यस क्वेश्चन नंबर 19, 2x गिव्स b, ये कर लिया वो सीधा, 2x गिव्स b इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है 0.2, हाफ लाइफ दे रखी है 6 आवर्स, तो टी हाफ होता है उससे ए बाई टू के, ए बाई टू के से के निकल जाएगा, टी हाफ दे रखा है 6 आवर्स और ए दे रखा है 0.2, ए दे रखा है 0.2 बाय में 2K, ये 0.1 हो जाएगा, यहां से K आ गया ये 0.1 हो गया, तो K कितना आ जाएगा 0.1 बाय 6, K आ गया 0.1 बाय, यूनिट का ध्यान रख लेना, A पॉइंट K आ गया 0.1 बाय 6, अब बोला इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 0.5 हो जाता है
तो 0.2 होने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट फॉर्म लगाओ टी इज इक्वल टू 0.5 इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय यही है ना ए नॉट माइनस ए बाई के, के की वैल्यू 0.1/6, 0.1/6 तो 5 - 2 ही होगा सीधा, 3 × 6 18 आंसर है, 18 आवर्स आंसर आ जाएगा। ए कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद Br2NaOH प्रोवाइडेड C3H9N विच गिव्स पॉजिटिव कार्बोनामिन रिएक्शन। हाँ तो ये तो C3H9N और कार्बन रिएक्शन, तो ये तो सीधा ब्यूटेनमाइड है ना आंसर इसका, तो इसका आंसर 3 है ना, यस सर, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हॉफमन ब्रोमाइड रिएक्शन है और प्राइमरी अमीन मिलेगा तो यानी कार्बोलामिन और ये हॉफमन ब्रोमाइड यूज करनी है बस। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन यस सर, 21 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट विद AgNO3। इसमें तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इसमें भी रेजोनेंस के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इसमें प्योरली सिंगल बॉन्ड है ये दे सकता है, इसमें ये एरोमेटिक है, आफ्टर लॉस ऑफ AgNO3 डालेंगे तो इसमें बन जाएगा ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल, इसलिए AgPCr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट देगा, सबसे जल्दी ये देगा, इससे दोनों करेक्ट, COD ज्यादा करेक्ट है फोर्थ, तो इसलिए फोर्थ आंसर है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीजन स्टेट, ये तो सीधा इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, थेलियम की +1 सबसे स्टेबल होती है, नीचे आने पर बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम थेलियम, ऊपर +3 तीन जगह, तीसरे से +1 भी आ जाएगी लेकिन स्टेबल +3 है, चौथे में भी +3 स्टेबल देन +1, लास्ट वाले में +1 बिकम स्टेबल मोर स्टेबल देन +3, तीनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा है, तो इसका आंसर सीधा क्या यही आ रहा है, थैलियम इंडियम गैलियम, ये थर्ड है क्या आंसर। यस सर, विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट्स विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड डी ऑल्सो डीकलराइजेज ब्रोमीन, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है वो भी रिएक्ट करेगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है वो भी रिएक्ट करेगा, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सर डी वाला आ जाएगा। हाँ जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो तो ये फिनॉल वाला पार्ट आ गया, और जिसमें डबल बॉन्ड है वो ब्रोमीन रोटेटर देगा, इसलिए डी आंसर आ जाएगा। 24th क्वेश्चन है एस ब्लॉक एलिमेंट Na2CO3.10H2O, तो ये किसमें बनता है, सॉल्वेंस प्रोसेस के अंदर, एस ब्लॉक MdHCO3 होल ट्वाइस टेम्परेरी हार्डनेस हाइड्रोजन चैप्टर है ये, NaOH ये बनता है कैसनर कैलनर सेल एस ब्लॉक Ca2Al2O3 AO6, ये पोर्टलेट सीमेंट है। क्लियर हो गए, क्वेश्चन यस सर, तो ये हाइड्रोजन एस ब्लॉक इन दोनों क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25th, देखो 25th क्वेश्चन में 25 मिलीलीटर ऑफ गिवन HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्स 30 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, यानी इससे नॉर्मेलिटी मिल जाएगी HCl की, 25 × नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 30 × 0.1 इंटू टू, नॉर्मेलिटी आ गया यहाँ से 6/25, Na2CO3 का अनफेक्टर 2 है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 30 ml ऑफ 0.2 मोलर एक्वस एनियस सॉल्यूशन, तो यहाँ से बस मिलीक्वेंट्स इसके यही है ना इक्वल कर देंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम HCl का 30 × 0.2, NaOH है तो फैक्टर 1 ही होगा, तो ये सीधा आ गया 6, नॉर्मेलिटी वैल्यू पुट कर देंगे 6/25, तो 25 आई आई गया डायरेक्ट, यही आंसर है ना, 25 ml आ जाएगा। 26th क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन, ए से 4KOH और O2, कभी भी ए के अंदर KOH और O2 डल रहा है, कभी भी किसी कंपाउंड में किसी और में अल्कली और एयर डलेगा तो 99% है वो और होगा MnO2 या तो, या होगा FeO.Cr2O3, इनमें अल्कली एयर डलता है, रेयर केसेस में Ca2b6O11, ये कोर्स में नहीं है लेकिन वैसे कोलेमेलाइट ओर है, प्रिपरेशन होती है इससे बोरेक्स की, ये तीन ओर हो सकते हैं, तो KOH O2 डाला, बी मिला, बी में HCl डाला, सी मिला, MnO2 मिल रहा है तो MnO2 का ही और होगा कोई, और बी में H2 और K डाला तो A और KOH प्लस D मिला, एक बार गर्म नीचे कर से,
इसमें, अरे घर थोड़ा और कर पर दिखेगा नहीं क्या वो वाला पेज अभी? चल वो मतलब वापस देखता हूँ, करता हूँ। एक बार कर उसी उसी को कर एक बार देखते हैं उसे, MnO2 मान रहा हूँ मैं, और मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आंसर तुम्हें, एक बार कर नीचे, सर फिर उससे तो एक ही ऑप्शन सही आ रहा है। एक मिनट देखता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ ना, कर तो सही से, क्या पता इससे यही आंसर मिलता है, मैंने ऑप्शन देख लिया ना एक बार। ए होगा MnO2, KOH और O2 डाला तो K2MnO4, ए और बी मिल गए। अब बी में K2MnO4 में एसिडिक मीडियम, K2MnO4 है इसमें एसिडिक मीडियम करते हैं तो हमें पता है डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है, MnO2 दे ही रखा है तो सी होगा K-MnO4, सी K-MnO4, बी दोबारा लिया यानी K2MnO4, K2MnO4 में KI डाल दिया तो KI रिड्यूसिंग एजेंट, K2MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो KI जाता है KIO3 में, KIO3 में जाएगा और एक ए दे ही रखा है कि MnO2 मिल रहा है, तो जो पूछा वो निकाल लेना आंसर, जो पूछा वो आंसर निकाल लेना, कर बाकी करते। तो इसमें आंसर MnO2 और क्या पूछा, ए और डी पूछा ना, हाँ KIO3 यही होगा आंसर थर्ड। द क्वाड्रेंट नंबर ऑफ K4, ये दिख रहा है तुम्हें, ये बाइडेंटेट लिगेंड है और चार है तो आठ यहाँ से क्वाड्रेंट नंबर आ गया, और H2O दो है तो दो यहाँ से 10 आ गया सीधा आंसर। एफ ब्लॉक के 10 तक शो करते हैं, 8 से 12 तक शो करते हैं क्वाड्रेंट नंबर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। मेजर प्रोडक्ट LLH4 है, अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं तुम्हें, रिड्यूसिंग एजेंट किसी को चाहिए हो तो लेक्चर ले लेना मेरे से, रिड्यूसिंग एजेंट्स LLH4 और NaBH4 के, तो LLH4 डाला तो इसमें COOH जाएगा CH2OH में, COOH जाएगा CH2OH में, NO2 जाएगा NH2 के अंदर, COCH3 भी जाएगा CHOH में, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ डबल बॉन्ड को कब रिड्यूस करता है जब बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड है और साथ में कार्बन ग्रुप, इस केस में दोनों रिड्यूस होते हैं LLH4 के साथ, ये CH2CH2 बन जाएगा और ये CH2OH। अब क्वेश्चन नंबर गलत करिए ऊपर 29, 32 रह गए बस। अब क्वेश्चन नंबर 29, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, HCl डल रहा है, HCl तो यहाँ पे मार्कर वसूल करेगा, यहाँ से एक Cl आ जाएगा OH, और यहाँ पे आया एक दो, और ये एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl आ जाएगा, ये Cl आ गया, ये Cl आ जाएगा। अब उसके बाद प्लस आते ही, अब AlCl3 डाला है, AlCl3 Cl को ले जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, AlCl3 Cl को ले जाएगा, यहाँ प्लस आ गया, प्लस आ गया तो बेंजीन के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, 5 की रिंग बन जाएगी यहाँ पे, ये प्लस जुड़ जाएगा इससे, ये जुड़ जाएगा और 5 की रिंग बन के ये आंसर OH के पैरा पे, OH के पैरा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, आंसर ये आ जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 2H2O गिव्स H3O प्लस प्लस हो चाहे, डेल्टा जी नॉट पूछा हुआ है, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -RT नेचुरल लॉग KW, यानी -2.303 RT 8.314 T 298 इंटू लॉग ऑफ 10^-14। सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए, और आंसर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है ना इसका, हाँ सर, 80 आ रहा है। हाँ 80 आ जाएगा इसमें, तो पेपर कर लेना दोबारा इसको, ध्यान रखना पेपर जो तुम कर रहे हो ना, अगर तुम रिपीट नहीं घर पे कर रहे हो दो तीन बार, यूजलेस है, कोई फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी, पेपर को रिपीट करना, दोबारा करना सबसे इंपॉर्टेंट, जहां तुमने 40-50 पेपर कर लिया ना बहुत प्रॉपर तरीके से, कोई मतलब 100% है तुम्हारा कि 95% है, कम से कम ऊपर आएगा केमिस्ट्री में, तो रिपीट जरूर करना उनको पेपर, पेपर करने का मतलब ये नहीं तुमने पेपर दे दिया आंसर देख लिया काम खत्म, उसको रिपीट जरूर करना, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, इसको कर लेना जरूर ढंग से।